एयरपोर्ट से मालदीव ले चलते हैं। 4 नाइट्स का हमारा जो है वो ये स्टे है और इसमें क्या 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 है दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका वीकेंड सीरीज़ में, अरे वीकेंड नहीं ट्रैवल सीरीज़ में। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ मसरूफियात थी, आपको पता है मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ये तो बस साइड शौक है। तो वेलकम बैक हो गया आप सबका। हम जा रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट, उसके लिए मैं यहाँ से जो है वो टैक्सी का वेट कर रहा हूँ और हमारे एक दोस्त हैं हमारे साथ, वो रेडी हो रहे हैं, हमेशा की तरह लेट है। तो अभी जाएंगे अबू धाबी एयरपोर्ट, फिर आपको अबू धाबी एयरपोर्ट से मालदीव ले चलते हैं। 4 नाइट्स का हमारा जो है वो ये स्टे है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी वो सब मैं मेंशन करूँगा, ठीक है? तो चलो। तो भैया फाइनली जो है वो 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम जो है वो एयरपोर्ट पहुँच गए, अभी अंदर चलते हैं चेक इन करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको कंटिन्यू करते हैं, फ्लाइट दिखाते हैं और फ्लाइट का बजट भी बताया। दोस्तों इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया हमने, ये अबू धाबी का खूबसूरत सा आउट वो है एयरपोर्ट है और आप देख सकते हो कितना अच्छे से बनाया है। मैकडॉनल्ड्स जाते कुछ खाते और फिर फ्लाइट में मिलेंगे। ओके, हमारा जो प्लेन है वो यहाँ पर है, प्लेन की सीटें कुछ इस तरीके से वेजियर है और इस तरीके से सर। जो है वो ऑलमोस्ट 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुंच गए और बैग का वेट कर रहे हैं, तो बैग आते ही होटल जाते हैं और होटल दिखाते हैं आपको। तो ये भाई यहाँ पे जो है ये पानी है पूरा, ठीक है, और ये एयरपोर्ट है। अब हमें शायद फेरी से ले जाए या बस से ले जाए, लेट्स सी हमारा होटल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बंदा हमें मिल गया। अब देख सकते हैं बोट्स वगैरह भी है, तो जिसका जैसा है, जिसको रिजॉर्ट में जाना है वो मेरे ख्याल से सी प्लेन से भी जा सकता है, शिप से भी जा सकता है। तो चलो होटल चलते हैं और आपको बताते हैं। तो भाई हम होटल पहुंच गए हैं, हमारा होटल ये रहा, ये एक 3 स्टार होटल है, हमें तो वैसे ही सोना है, पूरा दिन घूमना है और ये बिल्कुल सामने बीच है। अब ये बीच का मज़ा तो सुबह ही आएगा, तो चलो आपको रूम भी दिखाते हैं। अभी मैंने जो है वो चेक इन कर लिया है, तो उन्होंने रूम प्रोवाइड किया है, ऊपर साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो चलो रूम देखते हैं क्या प्रोवाइड किया है। हमारा पूरा फ्लोर और पूरा का पूरा रूम यही है, बस रेस्टरूम यूज़ हो रहा है तो यही है, बस ये टीवी है, ये बेड है और पंखा है, एसी है वगैरह, ये डोर है, मतलब सही है अगर आपको सिर्फ सोना है और बजट पर ट्रैवल करना है तो। उस पर विंडो है, विंडो से आपको सुबह व्यू दिखाएंगे। अच्छा, तो चेक इन कर लिया था हमने। शाहन भाई सर, सबको हाय हेलो तो कर दो। और हम जा रहे हैं अभी मालदीव एक्सप्लोर करने और करेंसी एक्सचेंज कराने, तो थोड़ी यहाँ की करेंसी भी हो तो सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे हवा बहुत है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, अभी जस्ट बारिश हुई है और कह रहे हैं कि होती रहती है बारिश हर 2-3 घंटे में, और मतलब मुझे अच्छा लगा है, मतलब इतनी कोई गर्मी भी नहीं है ना सर्दी है। तो चलें आपको आज जो हम डिनर करेंगे वो दिखाते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ का लोकल खाना खाएँ, या लोकल नहीं खाएं तो कुछ भी खाएं तो आपको दिखाएं और उसकी कॉस्ट। भाइयों खाने की तलाश में हम पहुंच गए एक ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें आप देखें क्या क्रिएटिविटी है, ग्रिल चिकन ऊपर बनाया हुआ है, ग्रिल चिकन वाली जगह है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कोई लोकल रेस्टोरेंट। तो भाई रेस्टोरेंट हमें मिल गया, बिल्कुल बीच के सामने रेस्टोरेंट है, स्पोर्ट्स भी चल रहा है और हमने मंगाया है यहाँ पर, ये फोकस करते हैं, ये नासी गोरिंग, ये वाला, ये बोल रहे मलेशियन फूड है और मालदीव से मिलेगा, तो मैं मलेशिया गया नहीं हूँ तो, लेकिन आप इन्वायरमेंट देखिए बहुत अच्छा है, मतलब हवा वगैरह चल रही है सारी और ठंडा इन्वायरमेंट आ गया है। इसमें है ये पापड़ और राइस है, चिकन है, एग है और साथ में सैलड भी है, तो चलो उसको खाते और एक्सप्लोर करते और आपको ही बता दें क्या है, मतलब इसके नीचे सीन क्या चाहिए। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं क्या सर। अच्छा, चिकन हॉट डॉग है, इसके अंदर फिश है, राइस है और एग है, काफ़ी अच्छा, बहुत टेस्टी, ये चाइनीज़ राइस की तरह है,
मसाले वगैरह डाले हुए चाइनीज़, लेकिन बहुत अच्छा। उसके बाद पापड़ भी खाते हम। आई डोंट नो हवा इतनी चल रही है तो आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ स्पाइसी के लिए भाई, स्पाइसी के लिए चटनी भी ले आया हमारे लिए भाई। बाकी केचप वगैरह की सर्विंग है। इसको ना मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसका क्या क्या। भाई शायान भाई भी इसको टेस्ट कर रहे हैं जी। शायान भाई कैसा है? अच्छी चीज़ है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। पास है फिर? पास है, पास है भाई। शायान भाई ने जो है ना अपनी चिकन खा ली पहले ही, बोला मेरी वीडियो ना बनाना। यार इतना अच्छा लगा कि भाई ने एक और ऑर्डर कर लिया, और मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि ये एग हटा के दिखाऊँ। सर्विंग भी अच्छी है और ठीक है, 80 मालदीवियन करेंसी का ये है और वर्थ है। चलो इसको। तो यार खाना वगैरह खा लिया था, काफ़ी टेस्टी था, आपको दिखाया भी। होटल हमारा आ गया बाय वॉक ही था, और ये सामने जो बीच की वाइब है ना, ये मुझे लग रहा है कि सुबह जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो अभी चलते हैं होटल में, रेस्ट करते हैं, और कल जाएंगे रिजॉर्ट वगैरह कहीं भी, माले सिटी जाएंगे या कहीं भी, तो आपको अपने साथ ले चलेंगे। तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं।